हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपकी पसंद के मुताबिक ले आए हैं न्यूमेरिकल, वो भी लेंस पर बेस्ड। और आज हम आपको बता दें कि एक हमारा ये छोटा सा जो वीडियो है ना, वो लेंस के सूत्र 1/f = 1/v - 1/u पर बेस्ड होगा। 2-4-10 सवाल बढ़िया बढ़िया किए जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। बस इतना हमको करना है कि आपको आना चाहिए, मुझे सिखाना है आपको। तो चलिए बिना लेट करते हुए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। मैंने शुरुआत में 3 सवाल लिख दिए हैं और मैं पहला वाला अभी नहीं बताने वाला, सवाल मैं लगाऊंगा दूसरा और तीसरा। क्यों पहला वाला नहीं लगाएंगे? क्योंकि पहले वाले में कुछ बातें बतानी हैं आपको, जो कि इनके लगाने के बाद आएंगी ढंग से आपको, ठीक है ना। एक बात मैं आपको बता दूं बच्चों कि पहले रिकैप करेंगे। रिकैप मतलब कि हमने अब तक पढ़ा क्या है, अगर ये जान लोगे तो बेहतर रहेगा। तो देखो, पहले हमने पढ़ाया फार्मूला 1/f = 1/v - 1/u, जहाँ पे f क्या है, लेंस की फोकस दूरी होती है। आप सबको पता है लेंस के दो फोकस होते हैं, एक होता है प्रथम फोकस और एक क्या होता है, द्वितीय फोकस। द्वितीय फोकस को मुख्य फोकस कहा जाता है, ये सबको पता है ना, आपने पढ़ क्या है वो वीडियो पीछे वाला। और जहाँ पे v क्या है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी होती है। u क्या होता है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की दूरी होती है, जहाँ पे वस्तु रखी गई होती है। अच्छा, यहाँ पे चिन्ह परिपाटी लगाते हैं, क्या लगाते हैं इन सूत्र में, हमेशा क्या लगाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं चिन्ह सहित। यह फार्मूला ऐसे नहीं रख देना है ना, चिन्ह के साथ रखना पड़ेगा, कौन सा प्लस का होगा कौन सा माइनस का होगा। तो आपको अगर मैं चिन्ह परिपाटी याद दिलाऊं, तो पहला नियम यही होता है चिन्ह परिपाटी में कि प्रत्येक दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती हैं। दूसरा होता है कि वे दूरियां जो आपतित किरण की दिशा में मापी जाती हैं धन चिन्ह के साथ, और वे दूरियां जो आपतित किरण के विपरीत मापी जाती हैं ऋण चिन्ह के साथ ली जाती हैं, और मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां प्लस में ली जाती हैं और मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियां माइनस में ली जाती हैं। इतना बातें क्लियर है ना। और मैं आपको बता दूँ, उत्तल में 6 केस बनते थे, अवतल में 2 केस बनते थे। मतलब कि यहाँ पे वक्रता केंद्रों का जिक्र नहीं होता है। अगर मैं आपको रियलाइज करा दूँ, सवाल तो लगाएंगे अभी, बट अगर रियलाइज करा दूँ बेटा, तो उत्तल वाला देखो जरा, यहाँ पे हमारे पास एक उत्तल लेंस है, पहले देख लो यही ए, यहाँ पे हमारा मिलता था F1 और यहाँ पे होता था 2F1। कहीं वक्रता केंद्र की जिक्र नहीं होती यहाँ पे, जितना दूरी है उतना दूरी है हमारा क्या एरीबेस का, मतलब कि द्वारक वाला सेंटर होता था, मिड वाला यहीं से नापे रहते हैं, ये प्रकाशिक केंद्र है, जितना दूरी है उतना दूरी है। ये होता था हमारा F2 और यहाँ पे क्या बनता था, 2F2 बनता था। उत्तल वाले में 6 केस थे, पहले वाले केस में जब वस्तु यहाँ पे थी तो इमेज यहाँ बनता था ए यहाँ पे, दूसरे वाले में जब वस्तु यहाँ पे थी तो इमेज थोड़ा आगे आता था यहाँ पे, जब यहाँ पे वस्तु आई तो इमेज आ गया 2F2 पे, बराबर आ गया और इसी बराबर, और जब इमेज आया वस्तु आया यहाँ पे तो इमेज और थोड़ा आगे गया। वस्तु जब आया F1 पर तो इमेज भाग गया अनंत पे, यानी कि बहुत बड़ा बन गया, और जब बेटा वस्तु यहाँ आई ना तो इमेज कहाँ पे आ गया, पीछे आ गया। यानी कि उत्तल वाले केस में, उत्तल लेंस में अगर देखा जाए तो इमेज इधर भी बनता है और इधर भी बनता है, ये बात आपको याद हो गई ना। अब जबकि अवतल वाले केस में क्या होता था, आप कहीं भी रख लो, ये देखो अवतल लेंस हमारा, और ऐसा चाहे वस्तु को अगर यहाँ रखोगे तो बेटा बनाएगा फोकस पे, और थोड़ा और आगे ले आओगे उल्टा नहीं बनाएगा, सीधा बनाता है ये ऐसा, और यहाँ पे ऐसे बना देगा, थोड़ा और बड़ा कर देगा। बस दो ही केस है, अनंत पे रखोगे तो प्रथम फोकस पे आ जाएगा, अरे इसका मुख्य फोकस है, और अनंत और मुख्य फोकस के बीच रखोगे तो बेटा प्रकाशिक केंद्र फोकस के बीच बन जाएगा, सीधा बनता है छोटा बनता है। तो इसमें हमेशा किधर बनता है, वस्तु की ओर बनता है। और अगर मैं चिन्ह परिपाटी अगर आपको याद दिलाऊं तो देखो, हमेशा वस्तु में एक ओर रहेंगी, यानी कि इधर मान लो रहेंगी, हमेशा वस्तु इधर ही तो रहेंगी, और हमेशा ये मतलब कि देखो यहाँ से हमेशा किरण चलती कहाँ से है,
वस्तु से चलती है, वस्तु से किरण चलेगी, ये इसी को देखो, यहाँ प्रकाश केंद्र ओ है या सी है, यहाँ से वस्तु की दूरी यहाँ पे यही यू होता है, वास्तव में यही क्या होता है, यू होता है। इस वाले वस्तु का इमेज यहाँ बना नहीं, ए वाला है, ए वास्तव में क्या होता है, यही होता है, वी होता है। लेकिन कौन प्लस का कौन माइनस का, अब देखो आपतित किरण आप जानते हो कि इधर ही चलेगी, ऐसे चलेगी, यहाँ से अपवर्तन होगा तभी ना। अब देखो आपतित किरण बेटा इधर चल रही है और हम बेटा इंची टेप पकड़ लो, पहले इंची टेप, इंची टेप का जीरो वाला पॉइंट यहाँ रखोगे और बेटा वस्तु नाप रहे हो ना, वस्तु की दूरी उल्टा हो गया है पड़े, देखो किरण जा रही है पड़े, हम नाप रहे हैं पड़े, तो यू का मान हमेशा क्या हो जाएगा, यू का मान निगेटिव हो जाएगा, चाहे इनके लिए चाहे इनके लिए, क्योंकि वस्तु इधर ही रहेगी और एक किरण ऐसे ही चलेगा और हमको बेटा हमेशा प्रकाशिक केंद्र से उल्टा नापना पड़ेगा, ऐसे हम इधर नापेंगे। तो U का मान ये जान लो किसी भी लेंस में U क्या होता है, ऑलवेज निगेटिव होता है, U क्या होता है, ऑलवेज निगेटिव होता है, U का मान हमेशा क्या होगा बेटा, माइनस का होगा, यानी कि लेंस से वस्तु की दूरी हमेशा कैसी होगी, माइनस की होगी हमेशा। अब देखो अगली बात, V देखो, V यहाँ पे भी कैसा है, यहाँ पे अगर देखो अब हमको आपतित किरण इधर ही जा रही है, मतलब कि जाएगी तो उधर ही, अपवर्तन का धारा कैसे जाएगी, लेकिन बेटा इधर दिशा तो इधर ही इसकी है और अब की बार मुझे प्रकाशिक केंद्र से चूंकि नापना होता है तो कन्फर्म है, अब की इमेज को नापेंगे तो बेटा जिधर उधर रे जा रही है उधर ही हम भी लेके नाप रहे हैं, जीरो यहाँ पे रखा लेके भागते गए इधर ही हम भी भाग रहे हैं, उधर वो भी भाग रहा है, तो वी का मान जब इधर हो जाएगा तो वी का मान प्लस का हो जाएगा और जब इधर हो जाएगा ना, लेकिन मान लो देखो वी यहाँ भी तो बना है, यहाँ पे वी यहाँ भी तो बना है ना, अब ये वाला भी लेकिन कैसा होगा, ये सारे देखो ये सारे जो भी होंगे ना, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, क्योंकि इधर बने हैं, लेकिन अंतिम वाले का जो इमेज जिसका वाला यहाँ बना है ना, इसको नापने के लिए प्रकाशिक केंद्र से हमको तो किरण इधर जाएगी और हमको इधर आना पड़ेगा वापस, तो यहाँ पे ये वाला निगेटिव होगा, यानी कि वी निगेटिव भी हो सकता है, यहाँ पे वी पॉजिटिव भी हो सकता है, किस वाले लेंस में, उत्तल वाले लेंस में वी निगेटिव भी हो सकता है और वी पॉजिटिव भी हो सकता है, और देखो अवतल वाले लेंस में हमेशा इमेज वस्तु की ओर बनेगा और आपको नापने के लिए हमेशा देखो आपतित किरण इधर ही आएगी और आपको नापने के लिए हमेशा आपको उल्टा चलना पड़ेगा, चाहे ए वाला चाहे ए वाला, तो यहाँ पे भी हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। यू का मान दोनों में हमेशा निगेटिव होता है, वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी इस वाले में हमेशा निगेटिव होती है, इस वाले में पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। और फोकस दूरी की बात की जाए तो बेटा मुख्य फोकस की बात हम लोग करते हैं, मुख्य फोकस F2 कहा जाता है, तो देखो यहाँ से यहाँ देखो इसका फोकस क्या हो जाएगा, आप इधर किरण आएगी, अरे भाई इधर वस्तु इधर से किरण आएगी तो इधर ही हमेशा फोकस नापोगे ना तुम, तो फोकस इसका होता है प्लस का, यानी कि उत्तल लेंस का फोकस कैसा होता है, प्लस का, और अवतल का फोकस देखो जरा मेन फोकस आपको उल्टा नापना पड़ेगा, किरण इधर आई हम इधर नापेंगे, इसका फोकस कैसा होता है, माइनस का। तो एक बात नोट कर लो फटाक से कि वस्तु की दूरी दोनों लेंसों में हमेशा क्या होती है, निगेटिव होती है, प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, इस वाले में हमेशा निगेटिव होती है, इस वाले में पॉजिटिव भी हो सकती है निगेटिव भी हो सकती है, और फोकस दूरी उत्तल लेंस की पॉजिटिव होती है और अवतल लेंस की निगेटिव होती है, ठीक है ना। इतनी बातें अगर समझ गया तो हम सवालों को लगाने वाले हैं बेहतरीन ढंग से, ठीक है। तो सवाल पहला भी लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको, ठीक है ना। अब हम सवाल लगाते हैं, सवाल नंबर पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, पहले इनको मिटा दे बेटा। कुछ सवाल नंबर पहला, अगर अच्छा मैं यहां पे कॉर्नर में कुछ लिख दूं तो आपके लिए बेहतर रहेगा, नहीं। U का मान ऑलवेज निगेटिव, चाहे कोई भी लेंस हो, ऑलवेज निगेटिव। V का मान निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन V का मान निगेटिव हमेशा होता है, ऑलवेज किसके लिए होता है, यह होता है बेटा अवतल के लिए, किसके लिए होता है, अवतल लेंस के लिए। और V का मान निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है उत्तल लेंस के लिए, ठीक है ना। और ये दोनों के लिए होता है, ये दोनों के लिए होता है। और F का मान होता है पॉजिटिव उत्तल के लिए, और F का मान होता है निगेटिव अवतल के लिए। ये हालांकि लिखने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन आपको क्रिएट ना हो तो हमने उसको लिख दिया। अब देखो जरा बच्चों, हवाएं थोड़ी ज़्यादा हैं, फिर भी कोई बात नहीं है, मैं इसको एक मिनट इसको मैं सही करता हूँ पहले, ठीक है। आप देखने को तो पा रहे हो अच्छे से ना, ठीक है, दिख रहा है, कोई बात नहीं है, चलिए। देखिए सवाल नंबर पहला क्या लिखा है, यदि एक उत्तल लेंस से
वस्तु है प्रतिबिंब की दूरियां 10 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर है। देखो जब दूरी प्रतिबिंब की आ जाती है ना तो थोड़ा सोचना पड़ता है। हालांकि सवाल नंबर मैंने शुरुआत में कहा इसीलिए ना कि सवाल नंबर पहला बाद में लगाएंगे, क्योंकि उसमें जानते हो दो कंडीशन है। तो एक काम करते उसको बाद में लगाते हैं, पहले इसको लगाते हैं दूसरा वाला। लिखा है 14 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से। तो अगर मैं पहले बेटा दूसरे को सॉल्व अगर मैं कर रहा हूँ तो देखो जरा पहले बनाना एक फिगर रफली। ए बन गया हमारा अवतल लेंस, अवतल लेंस बन जाएगा ना, और अवतल लेंस में मुझे पता है इधर होता है मुख्य फोकस, इधर होता है एफ टू, ठीक है। अब देखो जरा 14 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस है, हमको फार्मूला क्या पता है, पहले लिख लो जो कुछ दिया है। तो फोकस एफ का मान क्या दिया है 14 सेंटीमीटर, लेकिन प्लस की माइनस। अब बताओ अवतल की फोकस दूरी क्या होती है, हमेशा वस्तुएं हमेशा इधर ही तो रहेंगी और किरण चलेगी ऐसे, और आप उल्टा नापोगे हमेशा इधर फोकस नापोगे। अब या तो याद कर लो कि अवतल का फोकस कैसा होता है, निगेटिव होता है, तो यहाँ पर लग जाएगा माइनस का 14 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो अच्छा, और कह रहा है लेंस से 62 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। देखो जरा, अब बेटा ये जो वस्तु है ना यहाँ से कितनी दूर पे है 62 सेंटीमीटर, कितना है 62 सेंटीमीटर। तो U का मान क्या हो जाएगा 62 सेंटीमीटर, बताइए प्लस की माइनस। तो बोलोगे सर माइनस का, क्योंकि हमेशा U का मान सा क्या होता है निगेटिव होता है दोनों के लिए, और हम हालांकि उल्टा इधर किरण चलेगी हम इधर नापेंगे। तो अब V का मान पूछ रहे हैं आपसे ना, तो हमने क्या पढ़ा है, चूंकि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब रखो बेटा सूत्र यहाँ पे, सूत्र मान रखो 1/ हो जाएगा माइनस का 14 बराबर 1/v का मान। जिनका नहीं पता उनको चिन्ह उन्होंने कुछ नहीं रखा जाता है, जान लीजिए अपने आप वो आएगा। याद करिएगा कि हमको v निकालना है ना, तो यहाँ पे हम कोई मशक्कत नहीं करेंगे, वैसे रख देंगे जो उसका आंसर आना होगा आ जाएगा। हालांकि अवतल लेंस में हमेशा इमेज इधर ही बनता है ना, इधर ही आना भी उत्तर भी है। तो u का मान माइनस का 62। अब लो जरा ये माइनस ऊपर भाग जाएगा, माइनस का 1/14 बराबर 1/v, ये माइनस में से जाएगा प्लस का 1/62, ये हो जाएगा 1/v बराबर माइनस का 1/14, इधर जाएगा तो माइनस का 1/62। तो ये बेटा हो जाएगा 1/v बराबर माइनस का 14 माइनस का 62 अपान 14 मल्टीप्लाई बाई 62। साल्व करने आपको आता होगा इन सवालों को। मैं साल्व क्या करूं, मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ बेटा। चलो अच्छा, मेरे पास भी कुछ है नहीं आ रहा है इसका, चलो लिख लेते हैं ऐसे ही। 1/v बराबर ये आएगा 4×6 = 7, ये हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाई 62। वी का मान आएगा 14 मल्टीप्लाई बाई 62 अपान माइनस का 76। अब ये आएगा सेंटीमीटर, अब ये उत्तर बेटा आएगा माइनस में। अब देखो जरा काटते हैं, दो से कटेगा 31, दो से कटेगा कितना आएगा 2×3 = 6, 2×8 = 38 आएगा, नहीं 14×2 कितना आ जाएगा बेटा हमारा 38 आ जाएगा, है ना। अरे सॉरी गलत हो गया यार, 2×7 = 7, और ये कितना जाएगा 2×7 = 2×9 = 9, यानी कि 7×1 = 7, 7×3 = 21, अब बटे क्या हो जाएगा 19, और जो भी सेंटीमीटर सॉल्व करने पे आए नहीं माइनस का उत्तर आ रहा है यार, क्या इसका मतलब क्या है कि इमेज इधर ही तो बन रहा है, कहीं भी जो बने सॉल्व कर लो उसको, आप जो भी आएगा कितना आएगा इसे सॉल्व कर लिया जाए बेटा। तो ये आएगा आपका 19×91 = 19 और 20×21 = 21, 2×19×91 = 19, 27×8 = 19, ऐसे कुछ आएगा सेंटीमीटर में आएगा। अब आप देख सकते हो नहीं इसका इमेज कहाँ बनेगा, इधर ही कहीं 11.4 सेंटीमीटर पर, और सीधा बनेगा, हालांकि अवतल में सीधा बनता है इमेज ना, आभासी बनता है। तो सॉल्यूशन देखो कैलकुलेशन मिला लेना, मैं उसके फेवर में नहीं हूँ, जल्दीबाजी में जब काम होता है तो हो सकता है गलत हो कुछ। तो आप इसको करने आ गया ना, ये माइनस क्या बता रहा है भाई, माइनस बता रहा है कि हम वस्तु की ओर है। यहाँ पे उत्तर में क्या लिखिएगा, अतः इमेज लेंस से 11.4 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ओर बना है, वस्तु की कदर बना है ओर बना है। माइनस में आने का मतलब क्या, आप बेटा इधर नाप रहे हो किरण इधर जा रहे हो, आप उल्टा नाप रहे हो, तभी तो माइनस में आया है। और उत्तल वाले केस में, अवतल वाले केस में तो हमेशा v का मान
माइनस ही तो होना है, क्योंकि हमेशा इमेज इधर ही बनेगी, चाहे फोकस पे अनंत होगी तो फोकस पे बनाएगी और कहीं होगी तो उस थोड़ा आगे बनाएगी, पीछे बनाएगी, वहीं बन भी रहा है इसका। अच्छा कि फोकस देखो 14 है ना, तो 14 के अंदर इमेज बना भी है, सीधी सीधी बात है। तो हमको लगता है कि सवाल लगाने आपको आगे, हम चलते हैं सवाल नंबर तीसरा पे इसके वाले पे, ठीक है बच्चों। सवाल नंबर इसका तीसरा आप अच्छे से देख पा रहे हो, ठीक है। लिखा है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। फिर वही सवाल है, अवतल लेंस की फोकस किस में होती है, माइनस में। तो एफ का मान क्या है, माइनस का 30 सेंटीमीटर, चलो। और लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा है, यू का मान ऑलवेज नेगेटिव होता है, चाहे लेंस अवतल हो चाहे उत्तल हो बेटा। अब बताओ जी इमेज की स्थिति पूछ रहे हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से, यही लेंस का सूत्र है। 1/f का मान माइनस ऊपर कर लो, इसी कोई दिक्कत नहीं है, और v का मान पूछ रहा है, इसका मान हो जाएगा माइनस का 15, और साल्व करोगे ना तो आएगा माइनस का 1/30 बराबर। ये कहाँ पे आएगा जानते हो, 30 के अंदर ही उत्तर आएगा, इससे बता देते हैं हम लोग। तो ये आ जाएगा 1/v प्लस 1/15। चलिए ठीक है, अच्छा देखते हैं कितना आता है। ये आ जाएगा 1/v बराबर माइनस का 1/30, और माइनस का 1/ क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, है ना। ये साल्व करोगे यार तो लगता है ना, ये आएगा 30 लस आएगा माइनस का 1, अब माइनस का आएगा 2, 1/v बराबर माइनस का 3/30, यानी कि v का मान आएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो सबको पता है माइनस क्यों आया है, क्योंकि जिधर वस्तु है उधर ही इमेज बना है। 10 क्यों आया है, आप जब जानते हो कि अवतल में दूरी केस होता है या तो अनंत पे या तो अनंत और प्रकाशी केंद्र के बीच, और यह वाली वस्तु कहाँ पे है, अनंत प्रकाशी केंद्र के बीच में है, तो फोकस के अंदर ही तो बनेगा। फोकस 30 है इसका, फोकस यहाँ से यहाँ तक 30 है, उसके अंदर ही बनेगा और सीधा बनेगा। इधर बनने के नाते क्या आ रहा है, उत्तर माइनस का आ रहा है। तो बोलेंगे अतः प्रतिबिंब वस्तु की ओर लेंस के प्रकाशिक केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी, ठीक है ना। सवाल नंबर तीसरा खत्म हो गया, हम चलते हैं सवाल नंबर पहला पे। अब सवाल नंबर पहला आपको समझाने में मजा आएगा, लेकिन पहले आप इसको नोट करके बताओ हमको आया कि नहीं आया, तो आगे बढ़े बेटा फटाक से। चलिए बेटा आते हैं इनको। तो अब देखो सवाल नंबर पहला, मजा आने वाला है आपको भी और हमको भी। क्यों मजा आने वाला है, क्योंकि अब पढ़ाई बढ़िया होने वाली है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर पहला क्या लिखा है। लिखा है यदि एक उत्तल लेंस से वस्तु व प्रतिबिंब की दूरियां। अब देखो भाई पहला सवाल मैं लगाने आ रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पहला का सॉल्यूशन। लेंस उत्तल है, आपको याद हो जाएगा उत्तल इसी को शायद बोलते हैं, है ना। वस्तु की दूरी यू सबके लिए होती है माइनस, वस्तु की दूरी है 10 सेंटीमीटर, ये माइनस का 10 सेंटीमीटर। अब देखो प्रतिबिंब की दूरी 20 सेंटीमीटर है सॉरी वी का मान दिया है 20 सेंटीमीटर। अब बात ही आ रही है ना, वी का मान यार प्लस का 20 लें, क्योंकि बेटा इमेज इधर ही बन सकता है और इधर भी बन सकता है, इसका इमेज दोनों ओर बनता है। V का मान प्लस ले कि माइनस ले, दोनों बार लगाना पड़ेगा हमको। यही तो मुझे बताना था आपको कि मान लो यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियर नहीं है कौन सा V लूँ, इधर लूँगा तो प्लस का V हो जाएगा, इधर लूँगा तो माइनस का V हो जाएगा, यहीं कहीं वस्तु है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। थोड़ा वस्तु यहाँ बना लेते हैं, यहाँ कहीं होता है वस्तु, उत्तल वाले केस में इमेज एक बार यहाँ भी बन सकता है, यहाँ जाने की बेटा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई हमारे लिए कि कौन सा वी लूँ। तो बेटा दोनों वी के लिए सॉल्व करेंगे, ध्यान देना दोनों वी के लिए सॉल्व करेंगे, एक बार प्लस वाले बीस पर सॉल्व करेंगे और एक बार क्या करेंगे माइनस वाले बीस पर सॉल्व करेंगे। दोनों हो सकता है यार, दोनों हो सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो एक बार बोलेंगे, अब देखो ये कमान पूछ रहा है ना, कोई बात नहीं है, दोनों में अब कमान प्लस ही आया, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, प्लस की होती है। देख लो भाई मैं लगा रहा हूँ पहला, मतलब कि वी बराबर प्लस 20 लेने पर, यानी कि इमेज उधर बना वस्तु के दूसरी ओर, क्या हो जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से,
एफ का मान नहीं पता ना, वी का मान हो जाएगा 1/20 माइनस, और यू का मान क्या है, इसका माइनस हो जाएगा प्लस। सॉल्व करोगे तो 1/f बराबर आएगा 20 × 10 = 30/200, यानी कि 1/f का मान आ जाएगा 20/3 सेंटीमीटर। यह भी सही है। और बेटा एक बार लेंगे सवाल में माइनस का 20, वी बराबर क्या लेने पर, माइनस का 20 लेने पर, क्योंकि अभी तो बन सकता है, दोनों हो सकते हैं, तो हो जाएगा 1/f बराबर माइनस का 1/20, यहाँ पे इसका माइनस, इसका तो हमेशा माइनस क्या होता है, यू का मान, प्लस 1/10। सॉल्व करोगे तो आएगा -10 + 20/200, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1/f = 10/200, यानी कि एफ का मान अब की बार 20 सेंटीमीटर आएगा। यानी कि जब एफ का मान 20 सेंटीमीटर आएगा ना, तब इमेज इधर बनेगा और 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, और जब एफ का मान 3 लोगे तो इमेज उधर बनेगा, हालांकि 20 सेंटीमीटर दूरी पर अभी बनेगा। ये इस वाले फोकस के लिए 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा बट दूसरी बनेगा वस्तु के, और इस वाले फोकस पर भी 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा बट वस्तु की ओर ही बनेगा, ये ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन आपको लगाने में मजा आया होगा, है ना, इस टाइप के सवाल बड़ी कम मिलते हैं, लेकिन मिल गया तो मैंने बता दिया आपको। अब बेटा क्वेश्चन नंबर मतलब कि 1 हमने 3 सवाल कवर कर लिए हैं। अब मैं आपसे बेटा दरख्वास्त करता हूँ ना कि अगर अब मैं जो भी सवाल लिखूंगा पहले आप उसको वीडियो को पुश करके लगाने का प्रयास करना, फिर आप मेरा देखना, नहीं तो बेटा फिर ऐसे देखने से कितना फायदा आपका होने वाला, नहीं ना। तो मैं उसको मिटा के चलता हूँ थोड़ा सा आगे, और आप कुछ चिन्ह परिपाटी समझ में आ जाएगी तो कोई दिक्कत है, तो चिन्ह परिपाटी आपको समझ में आ रही है, मिटा के हम चलते हैं आगे। हमने 3 सवाल और पेश किए गए हैं, और इन तीनों को लगाने के बाद वीडियो को क्लोज कर दिया जाएगा, क्योंकि इसके बाद आप बेटा लेंस के सूत्र 1/f = 1/v - 1/u पर सवाल लगाने के लायक हो गए हो या हो जाओगे अब, क्योंकि यहाँ पे तीनों सवालों में ना लास्ट वाला सवाल फिर से दमदार सवाल है आपके लिए, मतलब कि कुछ कॉन्सेप्ट लेके आएगा। तो पहले मैं चाहूँगा कि वीडियो को पुश करो और इस पर लगाने का प्रयास करो, फिर ना आया तो मेरा देखना, लेकिन आपको सारी कंडीशन आपको याद होने चाहिए पहले वाले। अब देखो मैं सवाल नंबर 4 लगाने आ रहा हूँ। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो ये एफ का मान क्या हो जाएगा, क्योंकि अवतल लेंस है तो हो जाएगा चिन्ह लग जाएगा माइनस का। सारा कमाल ना बेटा साइन कन्वेंशन का है, साइन कन्वेंशन अगर दिक्कत करेगी तो आप हर सवालों में फंस जाओगे, लेकिन मेरे बच्चों को साइन कन्वेंशन दिक्कत ही नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने उसको बढ़िया से बता रखा है अपने बच्चों को। अब देखो जरा उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए, अब कि यू का मान पूछ रहा है, यू का मान कि उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर दूरी पर बने, वी का मान दिया है कितना 12 सेंटीमीटर। अच्छा बताओ हमको जरा ये वी प्लस का होगा कि माइनस का होगा। अवतल लेंस आपको याद होगा, अवतल लेंस में हमेशा जो इमेज बनती है वह वस्तु की ओर बनती है, तो बेटा यहाँ से नापोगे किरण इधर चलेगी, आप उल्टा नापोगे तो वी का मान यहाँ पे क्या होगा, एलमोस्ट माइनस होगा, मतलब ऑलवेज माइनस हो कह सकते हो। देखो अवतल के लिए वी का मान हमेशा क्या होता है, माइनस का होता है। अब देखो जरा फार्मूला 1/f = 1/v - 1/u से, अब 1/f का मान क्या है, माइनस का 1/20 हो जाएगा, 1/v का मान माइनस का 1/12 हो जाएगा, माइनस का 1/u। अच्छा दुनिया जानती है कि u का मान हमेशा नेगेटिव होता है, तो बेटा यहाँ पे नेगेटिव मत लगा देना, जो चीज़ पूछ रहा है उसमें बिल्कुल छेड़खानी नहीं करनी है, जो चीज़ निकालना है उसके चिन्हों में बिल्कुल छेड़खानी नहीं करनी, ऑटोमेटिक माइनस का देगा हो। तो एक बात ध्यान देना कि नहीं कि हमको सर जी ने बताया है कि यू का मान हमेशा निगेटिव लेते हैं तो यहाँ भी चिन्ह लगा दो माइनस का, ऐसा कुछ नहीं। जो आंसर हमको लेके आना है ना, जो पूछा जा रहा है उसके चिन्हों में कोई छेड़खानी नहीं करते, ऑटोमेटिक आएगा हो। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा ये वाला इधर आ जाएगा तो 1/u + का बराबर माइनस का 1/2, इधर जाएगा तो प्लस का 1/ क्या हो जाएगा 20। सॉल्व करने पर आप पाओगे 1/u बराबर माइनस का 20 प्लस का 12/12 × 20, 1/u बराबर माइनस का 8 × 12 क्या हो जाएगा 20। ये आएगा आपका 4 × 2 = 4, 5 × 2 = 6 जा, तो u का मान क्या आएगा आपका माइनस का 30 सेंटीमीटर। u का मान कितना आएगा आपका बेटा माइनस का 30
30 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है ना। और आप समझ भी सकते हो यार, देखो 30 पे यहाँ पे है, 30 पे और 20 पे इमेज है, सही है, बिल्कुल सही है, अंदर ही बनना है वस्तु के, पहले ही तो बनना है यहाँ पे। या तो वस्तु अनंत पे होगी तो बेटा फोकस ही बनता है, अनंत और प्रकाश केंद्र के बीच, तो बेटा फोकस और इसके बीच बनता है। फोकस देखो दिया, फोकस बीच है ना, तो 20 के अंदर ही तो इसका इमेज है, 12 तो 20 के अंदर ही मिलेगा आपको, लेकिन वस्तु पूछा तो वस्तु निकाल। 30 अच्छा उत्तर माइनस में क्यों आया है, क्योंकि बेटा उत्तर तो आंसर आता है, क्योंकि वही ना मैंने कहा यहाँ पीछे नंबर तुम रखना, वो खुद बताएगा कि ये हमेशा निगेटिव होता है, तो निगेटिव खुद आएगा वो, तो ये हमेशा आप देखो बस इधर हमेशा रहेगी और किरण इधर चलेंगे, आप उल्टा नापोगे तो माइनस का तो आना आना है। तो सवाल नंबर बेटा चौथा खत्म होता है, चलते हैं सवाल नंबर पाँचवें पर, मैं इसको यहीं पर मिटाता हूँ, ठीक है ना। ये सवाल नंबर, इसको आप स्क्रीन शॉट लेके नोट कर लो, मैं लगाता हूँ सवाल नंबर पाँचवा। हर सवालों में कॉन्सेप्ट है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप बेटा हमको बता दो, और नहीं आ रहा है तो भी बता दो, तो ताकि मैं आपको कुछ बढ़िया और बता सकूं। और आपको समझ में आ रहा होगा तो, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स होने तो आता नहीं होगा, क्योंकि आपको कुछ नहीं आता, आता तो है सर लेकिन क्या करें। देखो लिखा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल, सबके लेंस उत्तल हो गया ना, तो एफ का मान क्या हो जाएगा, प्लस का 15 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है। अब कि यू का मान कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, यानी कि यू का मान क्या हो गया माइनस का 30 सेंटीमीटर, और क्या बताना है, वी का मान बताना है। नॉर्मल बच्चा देख के बता सकता है कि यू का मान 30, यानी कि फोकस से बाहर चल रहा है नहीं। नॉर्मल बच्चा जानते क्या बताएगा, देखो नॉर्मल बच्चा जो मतलब कि एक बढ़िया बच्चा क्या बताएगा कि ये फोकस 15 है, फोकस 15 है, तो एक डबल फोकस, ए एक फोकस देखो ये होता है, फिर 15 पे अगला फोकस मिल जाएगा 30, यही 15 भी हो जाएगा, क्योंकि फोकस पहला वाला 15, हम इमेज ड्रा करने के लिए दो दो फोकस दोनों ओर लेते हैं, यहाँ पे 15 यहाँ 15, यानी कि बस तो ये 30 पे है। एक बेटा आपको याद होगा F1 और F2 है, और 2F1 वाला इमेज कहाँ बनता है, 2F2 पे बनता है, 2F2 पे, यानी कि उत्तर 30 आएगा, उत्तर 30 कन्फर्म आएगा, क्योंकि बेटा 2F2 पे, 2F1 पर इमेज है ना वस्तु है, इमेज भी कहाँ बनेगा 2F2 पर, वो भी 15 30 पे बनाएगा, कन्फर्मली लगा लो यार, देख लो। और भी कैसा आएगा, अभी का मान प्लस आएगा, क्यों, क्योंकि बेटा आप इधर हो, यानी कि वस्तु के दूसरी ओर, और कैसा आएगा, वास्तविक उल्टा आएगा, तो लगा लेते हैं 1/F बराबर क्या हो गया, 1/V माइनस 1/U से F का मान हो जाएगा 1/15, V का मान तो नहीं पता, इसका माइनस इसका माइनस हो जाएगा प्लस 1/30, तो हो जाएगा 1/V बराबर 1/15 माइनस 1/30, ये आएगा 1/V बराबर माइनस का, अरे सॉरी प्लस का 30 माइनस का 15 अपान 30 मल्टीप्लाई बाई 15, 1/V बराबर 15/30 गुणे 15, देखा V 30 आया और V प्लस का भी आया, यानी किधर बन रहा है, हम कह सकते हैं सर ये वास्तविक है, उल्टा है, इसकी प्रकृति होती है इमेज की, वास्तविक है, उल्टा है, और वस्तु के दूसरी ओर लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, वास्तविक है, उल्टा है, वस्तु से दूसरी ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, समझ गया ना, हमारी बात आपको समझ में भरपूर तरीके से आ रही होगी, और मैं आपको समझाने में सफल हो रहा हूँ तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे बच्चे समझ में आएंगे ना, बच्चों को हमारे तो और मज़ा हमको आएगा, तो ये सवाल लग गया ना हमारा, चलो कोई बात नहीं, बस ये सब केस याद रहे, बस इधर वाले सारे इमेज उल्टे होते हैं, वास्तविक होते हैं, इधर एक केस होता है जो कि इधर कब बनता, जब मान लो कहा होता वस्तु 15 के अंदर है, तब इमेज का जो वी आता आता माइनस है, क्योंकि उल्टा इधर बनाता कहीं नहीं, और 15 से कुछ ज़्यादा आता, तो अगर आपको पुराने केस याद हैं तभी तो कर पाओगे, और अगर नहीं याद हैं तो बेटा दिक्कतें आपकी बढ़ेंगी, अब मैं नहीं चाहता कि आपकी दिक्कतें बढ़ें, ठीक है। अब अंतिम सवाल में चलते हैं, अंतिम सवाल मज़ेदार है, क्योंकि पहले वाले की तरह है लेकिन कुछ बता दिया गया है यहाँ पे, ताकि आपके लिए थोड़ा आसानी हो जाए। सवाल में बोला है उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित एक वस्तु, वस्तु का मान हमेशा किस में लेते हैं, माइनस में, सबको पता हो गया है, का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बनता है, V का मान कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, लेकिन देखो जरा उत्तल लेंस ही होता है ना भाई, अच्छा वास्तविक बना होगा कब, जब इधर रहा होगा, नहीं
अब बताओ वी प्लस का कि माइनस का, अब दो केस थोड़ी है, तो क्लियर कर दिया ना, इमेज वास्तविक है, इमेज यहाँ कहीं वस्तु रहा होगा, यहाँ कहीं इमेज बना होगा, ठीक है ना, क्योंकि वास्तविक है, यानी कि बेटा बी का मान देखो आपतित किरण की ओर नापोगे, इंच नापी जाती है प्रकाशित के अंदर से, ए प्लस का भी कन्फर्म हो गया। अब नहीं दो केस लेना आपको, क्योंकि वास्तविक बोल दिया, और अगर बोल दिया होता आभासी ना, तो आभासी उल्टा आना पड़ता हमको, और उल्टा आते तब बेटा यहाँ पे लेते माइनस का भी, फोकस दूरी बतानी है एफ का मान, बस एक बटा एफ बराबर एक बटा वी माइनस एक बटा यू से, एक बटा एफ बराबर एक बटा वी का मान 20, इसका मान सौ हो जाएगा प्लस 30, यानी कि आएगा एक बटा एफ बराबर 20 30 50 बटे 600, यानी कि एफ का मान क्या आएगा 12 सेंटीमीटर। ए भाई काटोगे 12 आएगा, गुणा कर लेना, एफ का मान कितना हमारा आ जाएगा बेटा 12 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो हमारा पसंद में आया होगा, तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए, क्योंकि मैं अगला जो वीडियो लाने वाला हूँ वह लेंस के सूत्र पर ही होगा, लेकिन वहाँ पे हम लोग इंक्लूड करेंगे आवर्धन को, क्योंकि आवर्धन वाले सवाल आपने अभी तक लगाया नहीं है, तो आप बेटा सब्र करो, इनको पहले लगा लो, अपने किताब में कहीं से भी संसार के किसी कोने से सवाल लगाओ, करना है तो हमको आप जरूर एक बार बताना, ताकि हम आपको समझाने में सफल हो सके। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चों को हमारा वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, देखते हैं कौन कितना कमेंट कर लेता है कि हाँ उसको आ गया समझ में। तो फिर मिलेंगे बेटा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, हंसते रहो और उम्मीद के साथ पढ़ाई करते रहो, ताकि ज़िंदगी में कुछ बड़ा काम हो सके। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।